तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब अपनी बाइक हीट होने लगती है यानी कि जब बाइक गर्म चलने लगती है तो उसका क्या रीज़न होता है और आप उस बाइक को किस तरह से जो बाइक की प्रॉब्लम होती है हीटिंग की किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको कन्फर्म पता चलेगा जब बाइक हीट होने लगती है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और किस तरह से आप अपनी बाइक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पिछला अलॉय व्हील होता है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री चलना चाहिए कुछ इस तरह से। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दोस्तों जो अपना ये एयर फिल्टर होता है, मैं आपको दिखा दूं, जो अपना एयर फिल्टर होता है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसका एयर फिल्टर दोस्तों ख़राब हो गया था, ये एयर फिल्टर मैं नया डाल रहा हूँ और जो इसका जो होता है यहाँ पे टेबिट वो बिल्कुल सेट होने चाहिए। इसमें जो टेबिट के अंदर ऊपर नीचे की चाल होनी चाहिए और इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों बाइक हीट होने का इसका ऑयल पंप जो होता है यहाँ से ऑयल आना बहुत ज़रूरी है जो अपनी बाइक होती है, नहीं तो अगर इसकी वजह से यहाँ पर ऑयल नहीं आएगा तो ऑयल पंप जो होता है अपना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपनी जो बाइक होगी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट होगी और गर्म चलने लगी। तो अपनी बाइक को हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं और इसका जो ऑयल पंप है वो चेक कर लेते हैं। तो बाइक को कर लेते हैं इस तरह से स्टार्ट, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से कुछ ही सेकंड के बाद ऑयल आने लगेगा। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ से दोस्तों ऑयल आने लगा है, जो हमारा ऑयल पंप है वो बिल्कुल ही ठीक है। इससे क्या होता है अगर किसी वजह से यहाँ पर ऑयल नहीं आएगा जो ऑयल पंप है ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से दोस्तों हेड जो होता है अपना सूखा चलने लगता है और इसकी वजह से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं हेड के अंदर और जो हमारी बाइक है वो गर्म चलने लगती है। ये ऑयल जो आता है दोस्तों यहाँ से ऑयल पंप का ऑयल आता है, ये मैं दिखा दूँ आपको बिल्कुल नया ऑयल आ रहा है। और ये ऑयल कहाँ पर जाता है ये जो आप बाइक स्टार्ट रोकर देख रहे हैं इसके ऊपर ये ऑयल आता है जो इसका ये टेबिट कवर होता है इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर रोक पर ऑयल आता है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना है और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।